हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में क्लास टेंथ ग्लिम्सेस ऑफ इंडिया के शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस का ये सेकंड पार्ट है। अगर आपने पहले पार्ट के 1 से 5 क्वेश्चंस को नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पड़ी है, जाकर देख लीजिएगा। पढ़ा नहीं तो इसकी भी लिंक पड़ी है, जाकर देख लीजिएगा। आइए देखें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर हैं। डिस्क्राइब एनी टू टूरिस्ट प्लेसेस ऑफ कुर्ग। कुर्ग के किन्हीं 2 पर्यटक स्थलों का वर्णन कीजिए। आंसर, एंटायर मिस्टी लैंडस्केप ऑफ कुर्ग इज सीन आफ्टर क्लाइंबिंग ब्रह्मगिरी हिल्स। तो कुर्ग का संपूर्ण धुंध भरा परिदृश्य ब्रह्मगिरी पहाड़ियों पर चढ़ने के बाद देखा गया। अ वॉक अक्रॉस द रोप ब्रिज लीड्स टू द 64-acre आइलैंड्स आप निसारगंधामा। एक शहर रूप ब्रिज के पार 64 एकड़ की ओर जाता है निसारगंधामा द्वीप में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हुवर प्रांजल एंड राजवीर वेयर वर दे गोइंग। तो प्रांजल और राजवीर कौन थे, वे कहाँ जा रहे थे। आंसर, प्रांजल एंड राजवीर वर फ्रेंड्स। प्रांजल और राजवीर मित्र थे। प्रांजल बिलोंग टू आसाम। प्रांजल आसाम से संबंधित था। ही वॉज स्टडिंग इन अ स्कूल इन दिल्ली। वह दिल्ली के एक स्कूल में पढ़ता था। राजवीर वॉज हिज क्लासमेट। राजवीर उसका सहपाठी था। प्रांजल्स फादर वॉज द मैनेजर ऑफ द टी गार्डन इन अपर आसाम। प्रांजल के पिता अपर आसाम में एक चाय बागान के प्रबंधक थे। प्रांजल इनवाइटेड राजवीर टू विजिट हिज होम ड्यूरिंग द समर वेकेशन। प्रांजल ने राजवीर को अपने घर आने के लिए आमंत्रित किया गर्मी की छुट्टी के लिए। बोथ ऑफ देम ट्रेवल्ड टू आसाम ऑन अ ट्रेन। वे दोनों ट्रेन से असम गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर वर राजवीर एंड प्रांजल गोइंग एंड व्हाई। तो राजवीर और प्रांजल कहाँ जा रहे थे और क्यों। आंसर, प्रांजल्स फादर वॉज द मैनेजर ऑफ अ टी गार्डन इन अपर आसाम। प्रांजल के पिता अपर आसाम में चाय के बागान के मैनेजर थे। प्रांजल वॉज बॉर्न एंड ब्रॉट अप ऑन टी इस्टेट। तो प्रांजल का जन्म चाय के स्टेट में जन्म हुआ और उसका पालन पोषण हुआ। ही इन्वाइटेड राजवीर टू विजिट हिज होम। उसने राजवीर को अपने घर पर आमंत्रित किया। एंड देखी बड़ी टी स्टेट ड्यूरिंग द समर वेकेशन। और गर्मियों की छुट्टी के दौरान देखी बड़ी टी स्टेट में घूमने के लिए न्योता दिया। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द बेस्ट सीजन फॉर टी प्रोडक्शन। चाय के लिए, चाय के उत्पादन के लिए सबसे अच्छा मौसम क्या है। आंसर, राजवीर एंड प्रांजल रीच्ड आसाम इन स्प्राउटिंग सीजन। राजवीर और प्रांजल आसाम में अंकुरण के समय पहुँचे, अंकुरण के मौसम में पहुँचे। दिस सीजन लास्ट फ्रॉम मई टू जुलाई। यह मौसम मई से जुलाई तक चलता है। द बेस्ट टी इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग दिस सीजन। सबसे अच्छी चाय इस मौसम में उत्पादन होती है। लास्ट क्वेश्चन आज के सेशन का, व्हाट इज द चाइनीज स्टोरी अबाउट द डिस्कवरी ऑफ टी। तो टी, चाय के बारे में क्या कहानी है, और अथवा व्हाट इज़ द हिस्ट्री ऑफ टी इन चाइना। चीन में चाय का इतिहास क्या है। आंसर, अ चाइनीज एम्परर हैड द हैबिट ऑफ ड्रिंकिंग बॉयल्ड वाटर। एक चीनी सम्राट की आदत थी उबला हुआ पानी पीने का। वन डे अ ट्विग फेल इनटू द पॉट इन विच वाटर वाज बीइंग बॉयल्ड। एक दिन एक टहनी जिस बर्तन में पानी उबल रहा था उसमें पड़ गई। इट गेव अ डिलीशियस फ्लेवर टू द वाटर। और इससे पानी
का जो फ्लेवर था वो स्वादिष्ट हो गया। इट इज सेड, ऐसा कहा जाता है दैट कि दोज वर टी लीव्स, ऐसा कहा जाता है कि वे चाय की पत्तियां थीं। इसको अपने नोटबुक में नोट कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।